नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले चार वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिए, इंट्रो और इंटीग्रेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में, तो अब वो समय आ गया कि आप चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया जाए। आप लोग के क्लास ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और आपकी किताबों में उसका नाम जो दिया गया है कि कुलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के नाम से दिया गया है। ओके, आप लोगों को कुछ आज देखिए आज का क्लास कैसा होगा कि इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम आपसे परिचय जानेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने क्लास इलेवेंथ में पहला चैप्टर तो देखा ही होगा कि जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में या फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। तो देखिए, मैं उसमें पढ़ाया तो नहीं जाता बेसिकली, लेकिन उसमें बताया एक चीज़ गया था कि हमारे संसार में, हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में चार प्रकार के मौलिक बल होते हैं। ये मौलिक बल क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मौलिक बल ये होता है कि जैसे आप लोगों ने बल जरूर पढ़ा होगा, बल क्या है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है कि किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाना है, बल क्या है कि अगर वह वस्तु अपने स्थान से एक्सीलरेट कर जाए, त्वरित कर जाए, तो उसका द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर आपका बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन कई सारे हमारे संसार में ऐसे फोर्सेस हैं जिसको लगाया नहीं जाता, ऑलरेडी लगते रहते हैं। अब ये हैं कौन कौन सी, जैसे आप जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आपने कोई चीज लिया अपने पास, जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया, अभी गिर गया ना, सिर्फ मैंने छोड़ा और ये डायरेक्ट गिर गया, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स नीचे लगा ना। अब वो जो नीचे लग रहा है उसको कोई ना कोई लगाने वाला तो है नहीं, मतलब नेचर के थ्रू लग रही है, तो ऐसे फोर्सेस को नाम हम देते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारे ब्रह्मांड में ऑटोमेटिकली लगती रहती हैं, ये मौलिक बल कहलाती हैं। आखिर मौलिक बल हैं कितने, अगर हम लोग अपने सिलेबस में बात करें तो चार प्रकार के मौलिक बल हैं। कौन कौन सी हैं, पहला अगर हम बात करते हैं हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सेकंड वन की बात करते हैं, सेकंड वन हमारा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है, ब्रांच जो है ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप हिंदी में जानेंगे तो इसको कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी बोलते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में इसके नाम पे अगर आप आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टैटिक्स का मतलब जो स्थिर होती है, फिर से इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है स्थिति। तो कहते हैं कि फिजिक्स की वह ब्रांच, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम आवेशों को स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम दिया जाता है, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस इन रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां पे हम आवेशों को स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं। ये तो रही बात चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पोजिशन, पूरे लगभग जो आपके तीन चैप्टर आएंगे स्टार्टिंग में, सब के सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही ब्रांच हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं या हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं या हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में, वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में, ये सब जो पाँचों चैप्टर्स हैं इसमें सब का सब एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम आवेशों को स्थिर अवस्था में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम तो हम लोगों ने देख लिया, वैद्युत स्थैतिकी मतलब यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम आपका क्या है, कुलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। लेकिन इसमें एक शब्द आया आवेश, ये आवेश क्या है, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही टेंथ में, टेंथ में एक परिभाषा पढ़ा करते थे आप लोग, विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत धारा,
विद्युत धारा क्या होता था, आई आई किसके बराबर होता था, क्यू अपॉन टी, वही क्यू है। लेकिन परिभाषित कैसे करते हैं, जरा इसको देखते हैं। देखिए देखिए, इस आवेश के बारे में आज से करीब 2500 साल पहले की बात है, एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ को देखा, पदार्थ का नाम क्या दिया, अंबर। तो उन्होंने देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ है ना, जब उसको अच्छे से उसको रगड़ा जाता है, अंबर नामक पदार्थ को, तो रगड़ने के पश्चात वो कुछ ऐसा होता है कि जो हल्के पदार्थ होते हैं, जैसे तिनका हो गया और आपके कागज का जो टुकड़ा होता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के गुण हो गए। लेकिन उनकी बातों पे किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ये 2500 साल पहले की बात है आज से। फिर हुआ क्या कि जब 16वीं शताब्दी आई, 16वीं शताब्दी के 1600 वर्ष में एक साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या कहा, बिल्कुल वही बात कही उन्होंने, फिर वही चीज रिपीट कर दिया। क्या बताया उन्होंने कि अंबर की भांति कई सारे ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से, जैसे कांच, कांच हो गया, अबनूस हो गया, गंधक हो गया। इनको करते क्या है कि जब हम लोग उसको रगड़ते हैं तो हल्की चीजें जैसे आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे आपके पेपर के टुकड़े हो गए और जो भी हल्की चीजें होती हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस बात जो गिलबर्ट ने बताया, इसको वहां के लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। फिर वहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि नहीं, आखिर आवेश भी कोई चीजें होती हैं। अरे आप लोगों ने बचपन में एक चीज किया होगा, आप लोगों ने जो स्केल होती है ना, जिसको पटरी कहते हैं, जो प्लास्टिक की पटरी आती है, स्केल आती है, तो उस स्केल को जब हम लोग ऐसे बालों में ऐसे से रब करते हैं ना, रब करते हैं, फिर उसको हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं ऐसे, तो क्या होती है, कागज के टुकड़े उस पर आकर्षित होती जाती हैं। तो ये किस लिए हुआ, ये होता है आवेशित होने के कारण। तो यहां तो आप लोगों ने देखा कि जो चैप्टर का नाम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या है, और मैं अभी कुछ ही देर में आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसका नाम होगा कि जो चैप्टर का परिचय है, परिचय के बारे में आज हम लोग टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। कल से हम लोग वन बाई वन टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन का एक नोट्स की पीडीएफ आपको अभी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए आप लोग। हाँ एक चीज़ और, ये जो चार्ज के बारे में अभी भी आपने देखा ना, दो चार्जेस मेनली हमारे पास चार्जेस कितने होती हैं, दो होती हैं। एक तो आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश होता है, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग नाम देते हैं ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो इसके बारे में कल अच्छे से हम लोग बिल्कुल देखेंगे, इनके कैसे हम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती हैं, कैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप होती हैं, सब कुछ अच्छे से बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, घर पर रहिए, पढ़ाई करिए। ओके, बाय।